श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का सिद्धांत जो न वेदों को पता है, न पुराणों को पता है, न वेद पुराणों में बताए हुए सिद्धांत से सिद्ध हुए ऋषि मुनियों को भी नहीं पता है। एकदम एकांतिक, अत्यंत दुर्लभ महाप्रेम रसमय श्री प्रिया प्रीतम का अद्भुत रास विलास है। या रस की जिनके उपासना है तिनके ही ये रस ठहराए। जब तक इस रस की उपासना में अपनी चित्तवृत्ति नहीं लगी तब तक इस रस को कोई समझ नहीं सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इद ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जाने। ये जो रस है सबहिन ते दुर्लभ, जब देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में प्रेम रस प्राप्ति की बात करते हैं तो कहते हैं वेदान्न प्रसन्नस्ति। वेद का जो त्याग कर देता है सावच्छिन्न अनुरागम लभते, वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। तदर्पिता अखिलाचारिता जितने भी चेष्टाएं हैं वो सब अपने आराध्य देव को अर्पित कर दो। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते इति, यदि कहीं किसी भी कारण से आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है तो तुम्हारे हृदय में परम व्याकुलता होनी चाहिए। तो इस रस की उपासना का जो अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हीं के हृदय में इस रस के समझने की योग्यता आती है। और इस रस की क्या उपासना है ये बात केवल रसिक ही जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। रसिकों के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई रसमय उपासना में जब हम चित्त देते हैं तब महारसिक शेखर श्री लालजी महाराज और रस समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज का जो एकांतिक महाप्रेम रस है उसमें कुछ किंचन मात्र समझने की सामर्थ्य प्राप्त होती है रसो उपासना से। कोई अन्य बाहरी साधना से, अन्य बाहरी अनुष्ठान से, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म आदि से किंचन मात्र नहीं जान सकता। ये वृंदावन रस है, ये प्रभु का वो एकांतिक रस है जहां न बड़े बड़े देवता, न हरिभक्त, न प्रभु के सुहृद जन, न बड़े बड़े ऋषि मुनि। ये महल है प्रिया पिता। इस रस में ना कोई श्रम है, ना किंचन मात्र कहीं तम है, ना किंचन मात्र कोई गम है, ना इसमें विरह है, ना इसमें भ्रम है, ना यहां स्थूल मान है, प्रवेश ही नहीं है। इस जान लीजिए न श्रम है, आप अपने श्रम से इसे प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की तब ये प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। ये रस ये मेहनत वाला नहीं, ये समर्पण वाला है। हृदय से समर्पण करने में जो बाधाएं हैं वो है दूरा दपास स्वजनान। देखो निकुंज की तैयारी करने वालों, जब ऐसे छेड़ो तो पता चलता है तुम कहां हो। बेटी बेटा परिवार जीजा मौसी चाची चाचा, तैयारी कहां की कर रहे हो? निकुंज की। हवा नहीं लगेगी। दूरा दपाश स्वजनान, सगे संबंधियों से दूर,
सुखमर्थ कोटिन रुपए के द्वारा विषय भोगों के द्वारा जो प्राप्त सुख है उसका त्याग, सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराशा न श्रम, समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से दीर्घकाल तक के लिए निराश प्राप्त करके श्री गोरे चरणारविंद की अनन्यता और ठसक में जो हो गया बरसंतरे सहजाद्भुत सौख्य धारा, ये पीला कपड़ा पहन लेना, ये विरक्त भेष धारण कर लेना बहुत सरल है, लेकिन इसकी नींव में खड़े होना बहुत कठिन, बिना गुरु कृपा के खड़ा नहीं हुआ जा सकता इस सिद्धांत की नींव पर। साफ बैठा हुआ है हृदय में प्रपंच, बस आपके हो गए निकुंज दिखा दीजिए, कहां से हो गए हो, हृदय से कहां से हुए, झांक के देखो किन किन को स्थान दिए हुए हृदय में, भ्रम छोड़ो, इस भ्रम को तम अज्ञान को छोड़ो कि प्रभु के सिवा और कोई भी है, छोड़ो इस बात को, आचार्य चरण के दूरा एक जन्म केवल श्री जी के चरणों में, देखो ना देखो ये बैलेंस बना के नहीं चलता परमार्थ, फिर ये तो प्रेम मार्ग है, परमार्थ में पूरा का पूरा जगत ही उड़ा दिया गया, उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सा सपना, अंदर से राग रहे अंदर से बाहर से, हजारों लोग बैठे हैं पूरा राजकाज चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंदर से एक लंगोटी की भी आशक्ति है तो भगवत प्राप्ति में बाधा खड़े कर देगी, और संपूर्ण वैभव भगवत स्वरूप है, कहीं किंचन मात्र आशक्ति नहीं है प्रियालाल के चरणों के सिवा, तो बड़े बड़े राजा निकुंज गए परमानंद आदि बड़े बड़े राजा, राज परिवार से निकले हुए नागरी दास जी जैसे राजकुमार समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होते हुए भी छोड़ करके श्री जी की दासता में लगे, लालजू महाराज यहां को क्या स्थिति, जब ऐसे करो तो पता चल, तो ऐसे तो ढका हुआ है, जब ऐसे करो जरा सा छेड़ो तो है क्या, क्या है बैराग इनका, स्थिति का आए इनकी, न गम इस मार्ग में कोई गम नहीं, क्योंकि प्रेम में कोई गम है उनका, क्योंकि होता प्रेम में गम, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है प्रीतम के समीप रहना, रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जल पे मीन, तो प्रीतम का भी इतना करुणा में स्वभाव है कि दूर से दर्शन नहीं देते, नेत्रों में ही बस जाते हैं, मूर्ति नयनन बस है, अभी तुम देख पाओगे क्या, तुम जानोगे क्या, तुम्हारे नयनों में बसेंगे तो तुम इधर देखोगे उधर वही दिखाई देंगे, चिद चिद लक्ष्मण सर्वम राधा कृष्ण भयम जगत, यदि तुम्हारे काम बसा है तो सामने काम दिखाई देगा, तुम्हारे श्याम बसा है तो सामने श्याम दिखाई देगा, कोई भी किसी भी तरह का हर्ष और शोक इस मार्ग के उपासक को विचलित नहीं कर सकता, किंचित मात्र भी नवनिवृत्त निकुंज में मान नहीं, जो मान तुम्हें दिखाई दे रहा है पदों में जो वर्णन किया जाता है वो महाप्रेम स्वरूप, वो स्थूल विरह प्रकट करने वाला वो मान नहीं, और उपासक के लिए सम्मानम कल्याति घोर गरणम नीचापमानम सुधा, जब उपास्य देव के रस में प्रवेश करना है तो इतना भी मान का आदर का कहीं भी राग न रह जाए, जब हमारे हृदय में मान का सम्मान का राग रहता है बड़ाई सुनने का तो देहाभिमान पुष्ट होता है अहंकार पुष्ट होता है,
ये जो महारस प्रेम की उपासना श्री जी ने प्रकट कर रही है ये निशंक है, ये सबके कल्याणार्थ है, कोई भी हो। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत धेली सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, सबके कल्याणार्थ प्रकट की। जो उर्मे या बात आवे और ठहरावे तो या प्रेम की जो सूक्ष्म गति है वो समझ में आने लगी, या खाई और तृपित होए और यह सार को सार उपासना है। बिरलो कोई एक जाने एक समझे, साधारण भक्ति साधारण प्रेम साधारण विरह सवन ने गायो वैसे के उपासना से सवन के मन में आवे। भगवत भजन शास्त्री विधि विधान भगवत महात्म जहां ताई ईश्वर लीला तिन में सबकी समाई, पर यहां समाई ना है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नील भगवत ऋषि ललिता सखी उपासना है सिंह इनको छीर है सिंह इनको छीर है कुंदन के बासन कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। कह रहे संप्रदाय जो आचार्यों ने स्थापित किए चतुर नवधा भक्ति वीर पुराण सिद्धांत ये गंगा की धारा है कोई भी गोता लगा लो खुला है, लेकिन ललिता सखी उपासना है सिंह इनको छेर केवल सिंह का बच्चा ही बचा सकता है या कुंदन का पात्र। जैसे अभी उस दिन पद में हरिराम व्यास जी कह रहे थे कि सिंह का शावक भूखा मर सकता है लेकिन घास नहीं चर सकता, जैसे प्रियाजी के चरणों की अनन्यता में चाहे जितना कष्ट मिले हो अन्य की तरफ आंख नहीं उठा सकता। उस दिन ये गा रहे थे हम ऐसे नहीं चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे, ऐसे नहीं अगर आंखें किसी और की तरफ देखे तो निकाल के फेंक दो। जिसे महाप्रभु कह रहे निरज्ञन फुटो नयन, चाहेंगे निवाहेंगे सराहेंगे तुम्हें, चाहेंगे निवाहेंगे तुमसे प्यार किया है तो निर्वाह करेंगे, चाहे जितना कष्ट दो चाहे जितनी प्रतिकूलता दो पर हम चाहेंगे निवाहेंगे और सराहेंगे सिर्फ तुम्हें। ये प्रेम का मार्ग है सराहेंगे तुम। ये जो श्री जी ने रस प्रकट करके ये रसो उपासना जो प्रकट करी अनुभव के लिए ये उपासना सबनते न्यारी, बैठा दो इसे दिमाग में, ये कहीं और प्रवचन में नहीं मिलेगा, ये कहीं और सिद्धांत है मैंने, ये वृंदावन रस है नित्य विहार रस अत्यंत एकांती अद्भुत उपासना सबनते न्यारी गति ताकि यह महामाधुरी रस जाके उर नावे ताको संग न करिए, बस इतने से हो जाएगा हमारे माई श्यामाजू को राज। क्या समझे श्यामाजू को, इतना तुम करके हृदय में देखो, अगर सत्य को मानते तो वृंदावन में बैठे कह रहे श्यामाजू मिलेगी, उनसे कोई प्रलोभन है, मान के देखो हृदय में ठसक से हमारे माई श्यामाजू को राज। शायद इसीलिए आगे वाली पंक्ति लिख दी कि कहने वाले को विश्वास पता नहीं हो या ना हो तो कौन सी श्यामाजू जाके अधीन सदा इस सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन आगे ध्यान दीजिए ना ही नाल सुकाज, हमारा किसी से संबंध नहीं श्यामा 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 श्यामा। यह महामाधुरी रस जाके उर नावे ताको संग न करिए,
तिनको संग करनो बड़ी अज्ञानता है, और सब भजन में गोष्ठी है या स्नेह में गोष्ठी नहीं। तो आपको लगेगा मुझे निकुंज रस की कोई लालसा नहीं, कोई पहुंच नहीं है। तो आप निश्चित मानिए, आपको जैसे पहुंचाना है उस सब आपको सुनने को मिल जाएगा, उस सब आपको मार्ग मिल जाएगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। श्री जी इतनी करुणामयी है, यदि आपको भागवत से समझाने की जरूरत है तो भागवत बुलवा देंगी, विनय पत्रिका से समझाने की जरूरत है तो विनय पत्रिका बुलवा देंगी, अगर योग वाशिष्ठ से जरूरत है तो योग वाशिष्ठ भी बुलवा देगी। आपको किसी और से योग वाशिष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। ये सखियां एक से एक प्रवीण है, जो तुम्हारे जीवन में सूत्र आवश्यक है बिना प्रश्न के आपको मिल जाएगा। समस्त भागवत धर्मानि उपरियः निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जी को विलास है, सब रसों के ऊपर शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस और ये सहजरी तीन गोपिंती दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। जिन यह रस समझो नाही, तासो रस की बात करनी भी उचित नहीं। संग बैठना, खान पान करना, हंसी मजाक करना, ये तो बहुत दूर की बात है। यदि रस के रसास्वादी बनना चाहते हो उनसे बातचीत भी करना, या में करे सिद्धांत पैरा निकुंज का सिद्धांत। तासो बात करनी उचित नहीं, ध्यान देना, जो बात करे तो आप ते जाए अंतर परे निसंदेह। लिख लो इसे हृदय में, लिख लो। जिन यह रस समझो नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं, जो बात करे तो आप दे जाए अंतर परे निसंदेह। ताते मौन हुई रहनो बहुत भलो है, बिजाती सो मिलिगो भलो नहीं। बिजाती जो हमारी प्रियजनों की चरण आसक्ति से युक्त नहीं है, मिलिगो भलो नहीं। बिनु सजाती सो मिले बात न चलावे, मौन रहे सजाती। इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। अनेक भांति भजन पद्धति है, अनेक भांति भक्ति है, ऐसे ही भेद के भक्त है, जैसी भक्ति वैसी उनकी भावना। जैसो जाको भाव होए तैसो सब सिद्ध होए, ताते तुम्हें औरनसो प्रयोजन नाही। आपको यो चाहिए औरनसो मत्सर ताछाणी, अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासिकन सो अंतर खोल के संग करे। या उपासक जो विवेकवान प्रिया प्रीतम के अनुराग रस के रसिक है, तो विवेकी कहा कहिए, विवेकी तासो कहिए, जो भली गाहे और बुरी छाड़े, सत गाहे और असत छाड़े, उसे जो सत असत का निर्णय करता है उसे विवेक कहते हैं, उस निर्णय से जो चलता है उसे विवेकी कहते हैं। हमारा सत क्या है, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छी। हमारे सत्य का स्वरूप है प्रिया जी, हमारे सत्य का स्वरूप है लाल जी, हमारे सत्य का स्वरूप है नवनिर्मित निकुंज वृंदावन, हमारे सत्य का स्वरूप है समस्त सहचरिया, हमारे सत्य का स्वरूप है इनका लीला विलास। बस इसके अलावा सब कुछ हमारे लिए नहीं है, है ही नहीं।
कुछ बात सिवड़िया बाबा जी कहते हैं, भक्त उपासक जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो सिर्फ अपने आराध्य देव को ही सत्य देखता है और सब भगवान की माया मानकर त्याग देता है। भगवत स्वरूपों को भी केवल हमारे जो गुरुदेव ने नाम बताया रूप बताया हमारे लिए वही सत है, इसके अलावा सब भगवान का माया विलास है। राधे राधे। और अविवेकी को संग ना करे, अविवेकी कासो का है भली बुरी कछु न समझे, सब का है सब छाड़े। ताते सजाती रसिकम सो मिल गए, युगल विहार प्रिया प्रीतम की बात करे, सुने विचारे और तिनकी जूठन खाए, तिनको चरणोदक पीवे, बिजाती को परस भू न करे। समझ लो वृंदावन सीधा, ये प्रेम रस प्राप्ति के लिए। अब बाहर से आके बैठे बोले करें हमारी जूठन खाओ, हमारे चरण धोवन पियो, हमारे आनंद में रहो, हम जो कहे वही मानो, तुम्हें भगवत प्राप्ति को कैसा फंसा रहे। आम द्वार के मोहि न जानत, और देखो सब हमारी बात मान ही जाएंगे, ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि सबके इतने भाग्य नहीं है, शिष्य बनने पर भी नहीं मानेंगे। खुली ये सागरी गली है, खुली है एकदम, पर इतने सुंदर सुंदर राजपथ बगल में है कि सागरी गली में घसीटने पर भी ले जा रहा। प्रेम गली यदि सागरी तामे दो न समाए, और उसको चाहिए सब बेटी दमाद लड़का बच्चा राजपथ में चलो, दान करो पुण्य करो, गौ सेवा संत सेवा सब बड़ी बड़ी सेवा, लड़का बच्चा नाती बनाती बढ़िया है, राजपथ बना है संतों ने बनाया है भगवान ने बनाया है, पर ये वो मार्ग नहीं है। ये प्रेम गली अति सागरी है, तामे दो न समाए, ये प्रेम मार्ग है जहां आप बैठे हो। पहले समझ तो लेना चाहिए हम किस मार्ग के अनुयायी बनना चाहते हैं, किस मार्ग में चल रहे हैं। ये वृंदावन प्रेम रस है, वृंदावन चंद और कछु नाही, एक प्रीति को ही माने हैं। वृतान यज्ञ छंदान से तीर्था यमा यमा, इसीलिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। प्रायः वर्णन किया जाता है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना उदास है, लेकिन हमारे यहां की जो रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति है यहां और उनकी आवश्यकता ही नहीं है, न ज्ञान की न वैराग्य की, साक्षात स्वयं समर्थ अनुराग स्वरूपा हित स्वरूपा भक्ति है, जिसमें बस केवल इतना ही ज्ञान चाहिए मेरी प्रियाजू के सिवा और कुछ नहीं, मुझे केवल प्रियाजू के चरणों के समीप पहुंचना है, इसके सिवा सब अज्ञान है। हमारे यहां का ज्ञान क्या है? इसके सिवा सब अज्ञान है, ज्यादा हमें खोजना भी नहीं, सीधा मार्ग है, सीधा मार्ग है मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल मैं सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी तोरा, नहीं तोरा ना हृदय से नहीं निकलेगा मेरी महारानी से राधा रानी, भले गाने में झूम जाओ लेकिन हृदय से नहीं निकलेगा, श्वास श्वास में निकलेगा मेरी महारानी। कब? जब जाके बल मैं सब सो तोरी, सब सो तोरी लोक वेद कुल कानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। पावन लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, अनंत ब्रह्मांडों में सबके प्राण यही है, यही लाल बिहारी सबके प्राण यही है, सबके जीवन यही, सबकी आत्मा यही है। यह पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधता किल तत्पन्ना, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े ज्ञानी नीति चरण रज के प्रभाव से जीवन मुक्त होते। हमारी महारानी जी लाल बिहारी को प्राण जीवन और धन
कैसे जीते, वार पियत रित पानी मेरी महारानी। तो शरणागतों के साथ कैसा महारानी जी का व्यवहार होता है, बोले भगवत रसी सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी, केवल शरणागति से सर्वोपरि सुखदानी। समझ में नहीं आ रहा कि बड़े बड़े सत्संग सुनते हैं गीता के भागवत के, अभी तक आश्रय तत्व तो नहीं समझ में आया, अभी तक शरणागति समझ में नहीं आई। यही तो भगवान की दुरंत माया। अरे शरणागति समझ जाओगे तो डारी भार पर भार मोक दोगे सब भार, परम धन राधा नाम आधार, व्यास दास प्रगट बखानत डारी भार पर भार परम धन राधा नाम। कोटि भांति भावे जैसे रहो, अपरस रहो सपरस रहो, अनेक आचार करो, हमारे प्रभु को सच्चाई सो काम, सच्चाई सो काम। हृदय में प्रेम नहीं तो पंडिताई चाहे जितना बघा लो, ए छूना नहीं छूना नहीं, कैसा वैसा प्रभु ने क्या धन सिद्ध राम पगनेहू मोहिलक परत भरत मतेहू। बड़ी बड़ी साधनाओं की सिद्धावस्था क्या है, अपने आराध्य देव के चरणारविंद में प्रेम हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण चल रहा है, मधुर मधुर स्मृति चल रही, इससे बड़ी सिद्धावस्था कुछ है। या सिद्ध बना नहीं जाता, सिद्ध बनाया जाता है। आले बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, लोहे की ताकत क्या कि हजारों वर्ष वो गंगा में पड़ा रहे, नर्मदा में पड़ा रहे, यमुना में पड़ा रहे, कभी सोना नहीं हो सकता। और एक सेकंड के कम भाग में पारस का स्पर्श पाते ही मलिन लोहा स्वर्ण हो जाता है। ऐसी वृंदावन धाम की कृपा से, वृंदावन के रसिकों के संग से, रसिक शेखर युगल सरकार के चरणारविंद का भाव जुड़ते ही वो सिद्ध हो जाता है। जैसे स्वर्ण बनने की योग्यता नहीं है लोहे में, पर ये पारस का चमत्कार है। आले बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, उसी प्यारी जो प्यारी जो की सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेता है केवल केवल रजरानी रसिक जनों के संग से। जो भोग श्री जी को लगे, जो प्रसाद मिले, वह तरिक भी विचार न करे। प्रसाद कोटि कोटि आचार को स्वरूप है, कोटि कोटि साधनों को फल है। प्रणाम करके पंडिताई न जा रहे, कौन बांट रहा है, कहां किसने भोग लगाया है, अच्छा कौन जात के बाबा जी हैं, ज्यादा पंडिताई में वो फिर मार्ग छूट जाएगा। प्यारी जो प्यारे जो की तरफ देखो, जब उनका प्रसाद मिले तो प्रणाम करके अहोभाग्यमान करके पाओ। लाधे अन्य विषय कछु न माने, जो भोग श्री जी को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। कच्चा का तात्पर्य रोटी दाल कढ़ी सब्जी, ये पाका का पूरी हो, चला हुआ है तो पक्का तो पा सकते, कच्चा नहीं पा सकते क्योंकि चला हुआ है। प्रसाद में न कच्चा न पक्का, केवल प्रसाद। ऐसा मन में विश्वास धरे तो या ही जन्म में या ही कारण सिद्ध कर दे। अरे एक बार कल कह रहे थे, पुनः कह रहे कि अगर एक जीवन में 100 बार भगवत प्राप्ति होती तो हमारे लिए सस्ता था। एक ही बार हो रही हो तो, अगर होता कि 100 बार होती तो 100 बार भी हमारे लिए सस्ता था। आपको लगेगा क्योंकि बातों से उतर गया, हाँ बातों से आपको क्या बात है, मैं इतने बोलते ना राधा राधा राधा, ये भी तो बात की बात है ना। देखो भाई सुंदरता की सीमा, हमारे भाई श्यामा जी को राज यही तुम सिखा रहे, तुम्हें और क्या कह रहे भैया, यहाँ की हवा भगवत प्राप्ति करा देगी। बोले आप कहते हो कि दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि यदि आप इस प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति नहीं तो ऐसे भयंकर अपराध कर दोगे रसिकों का,
वैष्णव जनों का गुरुद्रोह का जो अकाट्य है तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी धाम में रहते हुए भी धाम सदगति नहीं कर पाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। शरणागत हो तो यहाँ की हुआई तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी, यहाँ का जल भगवत प्राप्ति करा देगा, यहाँ का फूल एक सूंघ लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ किसी लता को प्रणाम कर गले लगा के रो दोगे तो भगवत प्राप्ति। अरे यहाँ भगवत प्राप्ति घर घर बरकत मुक्ति पावली, समझ बाहर के समझ पाएंगे क्या? अरे हम ऐसे थोड़ी बोल लेते, तुमसे कोई प्रलोभन है, यहाँ गुदगुदी होती तब बोलते ऐसे थोड़ी बोल लेते, कोई भाग भाग थोड़ी बैठे। अच्छा भगवत प्राप्ति ऐसी कोई चीज लेके कि ये देखो, मान लो मानने से सवाल हल हो जाएगा, मान बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो। ये बहिर्मुखों की बात मत सुनो, बहिर्मुखों का संग देखो हमारी बड़ी जी कह रही। अच्छा भगवत प्राप्ति का बोले वो आश्वासन देते हैं, भगवत प्राप्ति के आश्वासन के साथ दवा भी तो दे रहे हैं। कोई डॉक्टर सबसे पहले मरीज को स्वस्थ करने का उपाय क्या करता है? आश्वासन देता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा बहुत किया है, बहुत वर्षों पुराना है, हम कह रहे ना ठीक हो जाओगे। सबसे पहला मरीज के लिए आश्वासन, दूसरी बात दवा शुरू, राधा नाम चतुराशी जी का पाठ, ये अरे श्याम श्यामा जिसके एक अक्षर में विराजमान, उस चतुराशी जी का रोज पाठ करते हो, रोज पाठ सुनते हो और तुम छूटोगे नहीं भोबंधन से? अरे छुट्टी चौरासी ब्राह्मण के तो आचार्य कह के गए, मानो ना यार, विश्वास करो ना, एक बार चौरासी जी का गान करने वाला, एक बार चौरासी जी का श्रवण करने वाला केवल आश्रित हो जाए। देखो तो चमत्कार, अपने पास तो ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र है, पर यही महापुरुष इसी सिद्धांत में वर्णन किया है, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, ये वज्र की लीक है। पर यहां सबसे पहले ये होता है गुरुद्रोह, तो बुद्धि उसको विपरीत मार्ग में ले जाती है, उसको ऐसे मार्ग में ले जाती है जहां से गुरु की पकड़ ही नहीं हो पा रही। अपराध होने पर हम लाख संकल्प करें आपके हृदय में स्फुरित नहीं होगा, शरणागत हो, सावधान रहो। आप फिर देखो आपके हृदय में, एक बार वो आपके पास वीडियो है, उन्होंने बुलाया था गुरुदेव भगवान ऐसे लेके हुए थे, गए तो महाराज जी अब स्वास्थ्य तो बहुत खराब हो रहा है और सुनते हैं कि पेट में थार आ जाएगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, पर बहुत आपकी कृपा है महाराज जी। कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है जैसे बैंक से अपनी संपत्ति ट्रांसफर की जाए, ऐसे कभी कभी महाराज जी लोड पोर्ट हो गए, इतना लोड पोर्ट हो गए और बैंक से जैसे ट्रांसफर की जाती है, ऐसे हो वो तो बच्चे ने बड़ा मन सहला एकदम ऐसे उनका। महाराज जी यही आपकी मुस्कुराहट, यही आपकी हंसी हमें जीवित रखे हुए, नहीं तो दोनों किडनी फेल हो गया। ये तो हम दसियों वर्ष से सुन रहे हैं, देखो हमारे हाथ काले हो गए, देखो ऐसे हो, कुछ नहीं हुआ अभी तक। गुरु कृपा महापुरुषों को अब कैसे अपने बच्चे का पोषण किया जाता है ये आप जान नहीं पाएंगे। मोह से पोषण करना तो आप जान सकते हैं, वो आप देखोगे कि माँ अपने बच्चे को मोहाशक्त होकर कैसे दुलार करती है, पर ये निरपेक्ष महापुरुष अपने बच्चे का कैसे दुलार करते ये जानना बड़ा। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा महासंगस्त दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो दुर्गम हो, अगम्य हो, बहुत विचित्र, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित कुछ दुर्लभ नहीं। श्री जी उनके भाव में बैठी, ऐसे भाव गया श्री जी आई, साधन नहीं ऐसे भाव गया निहाल कर दी। जब जब किसी ने गाया है तो यही कहा है कि नीचर गुरु चरणों के प्रताप से सब जय हो गई। मन में विश्वास, एक विश्वास, बिन विश्वास भगत ही नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। इतद्रु जो विश्वास है तो भाई हम कह रहे हैं तुम्हें भगवत प्राप्ति, बोलो नहीं हो सकती, अब बताओ क्या करें।
क्या कहते धाम बने रहो। एक शिष्य हुए थोड़ा विचित्र खेल हुआ, कोई भजन तो होता नहीं, वृद्ध शरीर है, हमारी बात मान लो, हम तुम्हें समय से टिफिन पहुंचाएंगे भोजन का, वृंदावन वास कर लो, कोई सेवा में नहीं आएगा तो हमसे बनेगा तो हम आपकी सेवा करेंगे, वृंदावन तुम रुक जाओ, श्री जी छोड़ो, श्री जी मिल जाएंगे पक्का। कौन मानता, कौन चाहता श्री जी को, न गुरु जी की बात न श्री जी से प्रेम, देश विदेशों में टिकट कटवाए घूमे, यहाँ सरिया वहां सरिया कटवा कटवा के दरबार में पैसे वाले हैं तो उनको लगता है सरिया हमें अमल कर देगी। नहीं भैया, ये समय काल का तमाशा लगेगा ना, तो बड़े बड़े सिद्ध शरीरों वाले भी उनको छोड़ना पड़ा। यह भजन अति कोमल है, कोमल कठोर एक संग ना बने, बहुत सरल हृदय हमारे स्वामी जी के लिए चाहिए। ये क्यों मेओ छोड़ो, हम कह रहे छोड़ो ना, जब तुम ये हाथ मारना छोड़ दोगे ना तो ऐसी शीघ्रगामी नाव में बैठा लिए जाओगे, ये छोटे मोटे तुम्हारे छप छप करने से भाव समुद्र में कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, ऐसे हाथ उठा लो, गोद में उठाएंगे, नौका में बैठा लो, बड़ी शीघ्रगामी नौका है, नित्य विहार रस में पहुंचा देंगे। सावधान रहे जे सने ही भजनीक है रसिक जन, तिनकी क्रियाओं में घटबड़ी न देखे, उनकी घटबड़ी क्रियाओं में मन न दे, मन देनो बड़ी हान है। कभी माला लिए पान खा रहे थे मैंने कहा, अरे खुशबू आ रही थी इत्र की, चार चार माला, संत हो गए, इत्र माला पान और ये सब लाग रंग बज रही है, बैंजो बज रही, ढोलक फिरक रहे, ये साधु का प्रभुदानंद जी इसी ब्रह्म में तो थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और महाप्रभु के नृत्य गायन इसको सब। जे रसिक वृंदावन के रसिकों की बड़ी विचित्र गति है, श्री जी समझावे तो समझ में आ जाए, श्री जी की लीला की बड़ी विचित्र गति, रसिक समझावे तो समझ में आ जाए। आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है, उनकी एक निमेश भजन पर कोटि कोटि भजन वारी डाली, आचार वारी डाली, निमेश भजन, निमेश इसे कहते हैं, एक पल में जो उनका भजन हो जाए 24 घंटे का सीट तेरह नहीं हो जाए, कोटि कोटि हो तो कह रहे कोटि कोटि सब। अब ये समझ ही नहीं है तो क्या कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर आये विश्वभाल, इतने समझ ला कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन के ऊपर वारी डालिए। ब्रह्मादिक सनकादिक भी भूले हैं और की का चलावे, ये वृंदावन के रसिकों के सामने कह रहे, और की कौन चलावे ब्रह्मादिक सनकादिक, जो यह बात मन में ना आवे फिर सब अनाचार की हो। जे सने ही रसिक भक्त जन है तिनकी पद रज लेकर मात, ये कोटि सिद्ध तीर्थ चरण रज, कोट साधु चरण रज सब सुख साधन, यह है मेरे मत काज सुधी को, साधु चरण रज मान व्यास से कोटिक पतित समात। ध्यान दीजिए, अनंत लीलावतार भगवान की, तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार में हो, जब कोई लीला वर्णन करता है भगवान के अवतारों में महान महान भक्त जन संत जन हुए तो यही प्रार्थना करते कि प्रभु जैसे आकाश में बड़े बड़े पक्षी और मच्छर सब उड़ते हैं, पर जितनी आपने सामर्थ्य दी उतने मच्छर अपनी गति में, बड़े बड़े पक्षी या गरुण आदि वो अपनी गति में, पर दी आपने, पर वो आपका पार नहीं पा सकते, वो आकाश का जैसे पार नहीं पा सकते, हे नाथ
आपने जितनी बुद्धि दी आपके द्वारा प्रदत्त बुद्धि से आपकी लीला का गान कर रहे, पर इतना ही नहीं, ये तो अपार है, अनंत है। नाना प्रकार के भगत हैं, क्योंकि भगवान ने नाना उतार ली, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जब हरि अनंत हो तो हरि के भक्त अनंत है। जैसे श्री कृष्ण अवतार लीला ही ले लीजिए, तीन प्रकार की, मथुरा, द्वारिका और ब्रज, तीनों में भेद भक्त बहुत। अब इस ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, अब इस लीला में भी बहुत भाव वाले, उन भाव वालों के अलग अलग विचार भावनाएं। तो जहां जहां जाको मन लागो ते सब नीके हैं, को घटना ही। पर आपको वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक को आपको ये चाहिए कि औरंग की घटिबड़ की तरफ मन ही न दे, ठीक है नहीं? हमें देखना ही नहीं है, हमें इधर देखना है श्री जी की तरफ। अपने रस में जैसी गुरुदेव ने उपासना दी है तहा मन धीर है। जे रसिक अनंग सी वृंदावन की उपासना में सी किशोरी किशोर जू की किशोर ताई की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके हिये बसती है नैनन में झलकती है, ऐसे रसिक तिनकी चरण रसीस पर धारिये, उनको संग निसदिन करिए, जूठन पाइए, अंतर न राखिए, जो ऐसे भक्तन सो कछु आचार निमित्त गिलानी करे, तब बड़ो अंतराय हो जाए, तब अनाचार हो जाए, भारी अपराध बन जाए, ताते यारस पाइवे को कछु और जतन नाई, बिन भक्तन की पद रज। श्री मुखो यो कहा है, मैं भक्तन पाछे फिरत हूं, जो एकांती भक्त है तिनकी चरण रज के निमित्त उनके पाछे फिरत हूं। निर्पेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम संदर्शनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पूरीयत्यंगुरेण भी, श्री भगवान कहते हैं। महापुरुषन ने ये सिद्धांत राख्यो है, अपने रस की उपासना में सावधान रहिए, औरं सो मतलब नाई, भक्तन के अपराधन सो डरपत रहिए, छिन छिन अपनो भजन ही संभारो करे, जैसे पुतरिन को पलकें, पलकन की जैसे अधिक पुतरिन सोति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। एक ने कही कि ये लाडली लाल जू को अद्भुत निकुंज माधुरी रस ये सबते दुर्लभ है, दुर्घट है, तो तासो प्रेम कैसे उपजे, कौन उपाय, कौन साधन, या रस के पाई में वो मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग मन से वचन से कर्म से करे निशिदिन, अरु रसमयी भजन के अभ्यास में रहे, कठिन कलेश साधना से या रस ना पाइए, जो अन्य मार्गों की साधनाएं उनकी द्वारा रस नहीं मिलता, यह रस अति सुकोमल है, माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए, कठिन साधन सो शुद्ध भक्ति हो न पाइए, तो यह महामाधुरी रस कैसे पावे। सर्वोपरि साधन ये है, जो रसिक भक्त हैं तिनकी चरण रज बंद है, तिन सो मिली निसदिन किशोरी किशोर जू के रस की बात कहे, और सुने निसदिन और पल पल उनकी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी उनकी करुणा उनके स्वभाव को विचारत रहे, यह अभ्यास छाड़े नहीं, आलस न करे, प्रमाद न करे, तो रसिक भक्तन को संग ऐसो है अवश्य प्रेम को अंकुर उर्मे उपजे, जो कुसंग पशु से बच जाए। अवश्य प्रेम को अंकुर उर्मे उपजे, ऐसे रसिक भक्तों के संग से, पर जो कुसंग पशु से बच जाए, जब ताई अंकुर रहे, विशेष सावधानी की बात,
तब ताई रस भजन सो सीचियो करे बारंबार और सत्संग सिद्धांत की आसपास बाड़ लगा दे, बस फिर बेल हिये में बढ़े फूले जड़ नीके गाय जाए फिर कछु चिंता ना है। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। कुछ नहीं बिगड़ सकता जब प्रेम की बेल हृदय में फैल जाती है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता ऐसे समस्त वासनाओं का नाश हो जाता है। कर्मानुसूति बोधिताम कुरवंतु कुरवंतु मांग ओढ़ाश्चर्य रसास्रगाद विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो विषय सेवन करे या विषय त्यागी, उस शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, जिसके हृदय में प्रेम बेल बढ़ गई है अब वो किसी भी तरह से कहीं भी फंस नहीं सकता, फिसल नहीं सकता, क्योंकि अब सामने ना विषय है न कोई कर्म है, केवल प्रियालाल का अद्भुत अद्भुत खेल दिखाई दे रहा, दूसरा कुछ नहीं तुम्हें देखने में लगेगा। तो यही जतन है प्रेम प्राप्ति को, संगते कृपा कृपाते संग तब होए भक्ति को रंग। या सिद्धांत पर और कछु नाही, या बात अब हो के मन ना हो तो ताशो कछु बसात लाई वो अपनी जाने, ठेका नहीं। अगर समझ में आ गया तो अपनी जाने नहीं फिर ठेका है। या रस को विचार अपने मन में समझाइबे को, कह जिनको मन या रस में हो तिनके हेतु कहो, जो या विचार में रहे तो काल वृथा न जाए। जिनको या रस रुचे नहीं तिनके पास न बैठे न बोले न प्रसंग चलावे, जो विमुखम सो गोष्ठी करे तो या रस में अंतर पड़े चित्त कठोर हो जाए। स्पष्ट वर्णन है, न समझ में आता हो तो और बताओ, हिंदी में बतावे। ये जो आपको सीमा में घेर के रखा है केवल कारण यही है जो सिद्धांत में आप किसी से भी मिलोगे दो बूंद डाल देगा और 5 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 1 बूंद खटाई काफी होती है। वो 5 लीटर है तो 1 बूंद खटाई काफी होती है। ये जो खटाई है इसे बचो नहीं फट जाएगा, हृदय फट जाएगा, इस रस के लायक नहीं रहेगा। जिनको यह रस रुचे नाही तिनके पास न बैठे ना यह प्रसंग चलावे, जो विजाति सो गोष्ठी करे तो यह रस में अंतर पड़े चित्त कठोर हो जाए। जैसे महारंक धन को छिपाए छिपाए घूमे, ऐसे छिपा कर महाप्यार सो प्यारी जो प्यारे जो की उपासना को रखो अंतर। अभिमान छाड़े मान अपमान हृदय में ना आए, 703 होए जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने तहां जाए, इनकी चरण सिर पर धारे उनसो मिली विनय पूर्वक समय व्यतीत करे उनके संग। निमित्त रहित भजन स्वाद लिए होए, जब कोई अन्य चाह नहीं होती फिर भजन होता तो उसमें स्वाद आता है, और जब ये हो जाए इसके लिए भजन होता उसमें स्वाद तो नहीं आता, पर समय लगेगा, वो अशुभ का नाश करके आपकी कामना पूर्ण करेगा। जैसे विषयी पुरुष को अपनो रस रुचय है, ऐसे ही रसिक को अपनो रस रुचय है, और विषयी पुरुष ऐसे ना उसके सामने आप भगवत चर्चा शुरू कर दो वो खसकना शुरू कर देगा पीछे से निकलो, अगर विषय की बातें शुरू कर दो तो नजदीक आ जाएगा और फिर क्या हुआ वो फिर शुरू कर देगा। ऐसे ही रसिक जल है, अगर उनके सामने विषय बात शुरू करो हसक लेंगे और जहां जहां पी भी बात और पावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात। ऐसो भजनी चाहिए कैसा, जैसे विषयी पुरुष, कैसा विषयी पुरुष, जैसे वो अपने विषय में एकाग्र रहता है दूसरी बात सुनना नहीं चाहता, ऐसे ही तुम अपने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विषय में एकाग्र हो दूसरी बात सुनना ना चाहो। तब ये सब विषय सब वासना सब नेम को भस्म करके प्रेम बढ़े हैं। तब जब तन मन भ्रम फिरे कबू यहां कबू वहां कबू महात्म कबू ज्ञान कबू विरक्तता, यह हमारे रस के रसिकों का स्वभाव नहीं,
या इस सदस्य के शरणागत का स्वभाव नहीं। एक बार बताया था कि गुरुदेव भगवान जब कभी कोई बात करते कभी बहुत कम बोलते हैं। अब जब ये सब बात तो ऐसे ही कहना पड़ता, हमें इस विषय में ज्ञान नहीं। महाराज जी ने एक दिन कहा, किसी संत का नाम लिया और कहा आप उनके पास जाना चाहोगे, बहुत वाणियों का ज्ञान है, तुम्हें बहुत वाणियों का ज्ञान हो जाएगा और सब टाइम चले जाएगा। महाराज जी आपकी आज्ञा है तो हम अपने हृदय की बात बताए कि जब से आप किसी चरणों का आश्रय मिला तो मन ऐसा कहता है कि हमें कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। बोले हम तो कुछ बोलते नहीं है, उनको प्रवचन करते नहीं है, उनको ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं। महाराज जी अब भुलावे में मत डालिए, जैसे भी है आपके हैं, समझे। दूसरे दिन बुलाया का सुनो, आज के बाद किसी का प्रवचन मत सुनना, समझ रहे। गुरु कृपा से अब हमारी समझ में पीछे आया कि क्यों गुरुजी ने मना किया था, मिलावट हो जाती अगर हम सुनते। गुरुजी ने जो सुनाया और समझाया वो प्योर का प्योर वॉइस, इसमें कोई मिलावट नहीं। अगर हम गुरुजी की बात ना मानते और जो शुरू कर देते तो वो जहां से कनेक्शन हुआ तो रुक जाता, क्योंकि वो अपने बुद्धि बल से जाएंगे ना, उनकी सेवाणियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके प्रवचनों से सतमार्ग ढूंढेंगे, तो हो सकता है ढूंढते ही रहते। अजय भी हो गया कि हमें ढूंढना नहीं, हमें मिल गया है। क्या सतमार्ग है आपके श्री चरण, क्या ज्ञान है इन चरणों से बढ़कर और कुछ नहीं। हो गया सब, प्रवचन सीखा थोड़ी है, प्रवचन सीखा थोड़ी कि कौन कहीं बैठ के सारे गामा कुछ ऐसा कुछ ना। उनकी कृपा से, उनके संकल्प से, उनकी दया से बात समझ में आ। हाँ, ये वाणी की गुरु वाणी ही तो है ना, ये गुरु जी की ही तो वाणी है, ये जितने रसिक है सब गुरुदेव ही तो है ना, वो ये सब समझा रहे। अनन्यता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने तहां जाए, तिनकी चरण जस सिर पर धरे, उनसो मिली समय व्यतीत करे। कितना बढ़िया समय, ये जो समय जा रहा है ना आपका, अरे ब्रह्मादि भी तरसते हैं, ये परम पावन। आप देखो 4 बजे से आपको उठना ही पड़ेगा जल्दी, स्नान आदि करके श्री जी की मंगला बन बिहार की चतुराशी जी श्रृंगार किरा आरती। देखो श्री जी कृपा से ये रस समुद्र वाणियों का सत्संग, इससे बढ़िया समय और कहां व्यतीत हो सकता है। बोले इससे क्या मिला, सबसे पहले वर्तमान में तो यह मिल रहा है कि मुझे ऐसे समय व्यतीत करने का सौभाग्य दिया गया, नहीं और समय व्यतीत करने के उपाय है। देख लो संसार में पूरे दिन के दिन वर्ष के वर्ष निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन सार हाथ कुछ नहीं, व्यर्थ में जीवन जा रहा है। जब ऐसे भजनी होए तब सब विषय भस्म हो जाए, सब नेम भस्म हो जाए, तब प्रेम बढ़े। ये जब ताई मन भ्रम्यो फिरे, कभो महात्म कभो ज्ञान कभो विरक्तता, इनको यार माधुरी सो बहुत अंतराय है। अनन्य होकर शिव प्यारे जी प्यारे जी के चरणों की आसक्ति प्राप्त करने के लिए हर समय हम उनके नाम वाणी गुण लीला सेवा, बस इतना ही है हमारा मार्ग। ऐसे एकदम सांकरी खोर है, प्रियालाल सांकरी खोर में ही खेलते मिलेंगे। सांकरी खोर में आ जाओ, समिट जाओ, आशिकों की वृत्ति समिट जाती है और विषयों की वृत्ति फैलती है। पहले तो जमाना समिटे तो आशिक, प्रेम समिट जाता है। अब जितना समय तुम्हारे पास रह गया है, न तुम्हारा बेटा न तुम्हारी बेटी, न तुम्हारे रिश्ते न तुम्हारे नाते, तात मात सुत दार देह में मति अरुजय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। महारानी जी का वृंदावन है, महारानी जी के तुम, इसलिए तुम्हें वृंदावन में ठौर है। अगर तुम अपने को स्वामी और मालिक समझते हो तो आप समझ लेना कि कहां पहुंच जाओगे। वृंदावन के स्वामी प्रियालाल हैं, ये उनका महल है, कोना कोना उनकी संपत्ति है, उनके हो इसलिए ठौर दे दी है। और जिस दिन तुम मालिक बनोगे तो ठौर खींच ली जाएगी, तुम्हारी सामर्थ्य रहेगी, तुम यहाँ श्वास भी व्यतीत कर सको। ये स्वामी जी का महल है, ये कोई साधारण देश नहीं है, ये महामहिमा में श्री प्यारी जी का निज घर है, निज घर।
बड़े भाग्य हो गए जो स्वामी जी के घर में हमें ठौर मिली है। सेवक बन के रहो, स्वामी बन के नहीं। सेवक में महल है, महल की टहली बने रहोगे तो पहुंच जाओगे। अगर महल के स्वामी बनना चाहोगे, मायापति बनना चाहोगे, तो प्रभु जाने क्या होगा आगे तुम दे। राधा वल्लभ।